जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 की जो CRPF की भर्ती आई हुई है उसके लिए आपका जो है आपके फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा। 2023 की CRPF की ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है, ये भर्ती है, इसमें आपका फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा। फिजिकल वाले दिन आपको सबसे पहले जब वहाँ बुलाया जाएगा तो क्या चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपका वहाँ पर किस तरीके से फिजिकल होगा और पूरे दिन वहाँ पर आपसे क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप CRPF में भर्ती होना चाहते हैं तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम CRPF से जुड़ी सभी जानकारी आपको बिल्कुल सही समय पर बताएंगे। जो भी CRPF से जुड़ी जानकारी है हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पहले इसमें आपका एग्ज़ाम होगा और जो कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम को पास कर लेगा उसके बाद उसको यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसको वहाँ पर PST के लिए, PET के लिए बुलाया जाएगा। तो जब PST और PET के लिए आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी अटेंडेंस होगी, बायोमेट्रिक सत्यापन यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहाँ पर आपकी ली जाएगी और उसके बाद PET और PST करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ PET और PST में क्या होगा। तो PST में सबसे पहले आपकी हाइट चेक होती है। यहाँ पर सभी मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर ये जनरल और OBC सभी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को छूट भी दी गई है। यहाँ पर ST कैंडिडेट को छूट मिली है हाइट में। यहाँ पर ST जितने भी कैंडिडेट हैं इंडिया के, उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की ST की 150 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो। और इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा इन कैटेगरी वाले हैं और यहाँ पर असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इन सभी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं इनकी हाइट में भी इनको छूट दी गई है। इनके मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनको जो है छूट मिली है। और इसके साथ ही यहाँ पर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हाइट में छूट यहाँ पर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हाइट मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं यहाँ पर चेस्ट। तो चेस्ट जो होनी चाहिए वो मिनिमम बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 80 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो फूलनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट की यानी कि महिलाओं की यहाँ पर चेस्ट नहीं मापी जाती है, तो यहाँ पर केवल हाइट आपकी गर्ल्स की जो है वो मापी जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप सबसे नीचे चलते हैं। जब आपका PST करवा लिया जाएगा, PST के बाद होगा आपका PET उसी दिन। PET में आपकी दौड़ होगी। तो यहाँ पर दौड़ किस कैंडिडेट की किस तरीके से होगी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं CRPF की ट्रेडमैन की वैकेंसी है, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर आवेदन भरवाए गए हैं कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज आपकी जो है दौड़ करवाई जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने किस पोस्ट के लिए भरा है, तो वहाँ पर आप देख लेना, सभी पोस्ट का मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ पर चालक, चालक का मतलब होता है ड्राइवर की पोस्ट, दूसरा मोटर मैकेनिकल, माली, पेंटर, बढ़ई, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, मोची, दर्जी और बिगुलर, इन सभी के लिए जो कैंडिडेट हैं, इन सभी कैंडिडेट के लिए जो आपकी जो रनिंग है वो मैं आपको बता दूं, 5 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। जिन भी कैंडिडेट ने इन ट्रेड में अपना फॉर्म भरा है उन सभी कैंडिडेट को, जो मेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर रनिंग होगी, 8.5 मिनट उनको टाइम दिया जाएगा। तो ये इन ट्रेड के लिए है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अब चलते हैं यहाँ पर नीचे। यहाँ पर नीचे ये सभी ट्रेड हैं। पहली है कुक, जलवाहक, नाई, हेयर ड्रेसर, धोबी और सफाई कर्मचारी। इन सभी के लिए जो दौड़ होगी वो 1600 मीटर की दौड़ होगी, 10 मिनट में आपको लगानी है मेल कैंडिडेट को, बॉयज़ को।
और गर्ल्स को यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ 12 मिनट में लगानी होगी। तो यहाँ पर गर्ल्स की मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पायनियर विंग के लिए यहाँ पर मेसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 9 मिनट में लगानी होगी। 9 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड वाइज आपकी दौड़ करवाई जाएगी। तो यहाँ पर PET में आपकी केवल दौड़ होगी और यहाँ पर और कुछ भी नहीं होगा। दौड़ के बाद आपका वेट कर लिया जाएगा। वेट में आपको जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। वेट में किसी के भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाता। यहाँ पर मेन है आपकी हाइट, आपकी चेस्ट और आपकी रनिंग। तो ये सभी चीज़ें आपकी अगर सही हैं तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको PET में और PST में केवल यही चीज़ें होंगी और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको वहाँ पर फिजिकल वाले दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। जो आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल, वो आप तैयार रखना, जैसे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। अपने फोटो लेकर जाने हैं और यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और इसी तरीके से यहाँ पर सभी चीज़ें आपकी जो भी ओरिजिनल हैं वो ही चीज़ें लेकर जानी होती हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेकर जाना होता। तो इसकी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं बना है तो वो आप पहले ही बनवा कर रख लें, इसीलिए अब मैं वो वीडियो बना दूंगा। तो इसीलिए आप चैनल पर बने रहना और जैसे ही मैं डालूँ वो आप देख लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिजिकल वाले दिन क्या क्या होगा ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और अगर कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अलग से आपको वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।